अरे दून वाला ब्रांड में ठंडा ना करो फिर, बिल्कुल ठंडा कर मत से मैं देश भर में दिखा बिटी टक राष्ट्र को बजरे जन बजे ना अलका बिन पलान अजय गांधी आवाज कम नहीं दे रहा मेरे को, नहीं म्यूट कर लिया। एनएम म्यूट कर रहा हूँ, ये क्यों कर बैठे एनएम म्यूट कर रहे हैं? बता म्यूट मार क्या। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? वो नहीं, अभी ऑफिस चेंज हो गया, मर्सिडीज कार का प्लॉट वही है, मर्सिडीज का जो सर्विस स्टेशन है ना उसके सामने गेट है, वहां आ जाना। हाँ जी, तो जब हमारी अपने बारे नहीं चढ़ू है ना।
को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर सर नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर। कुछ समय पश्चात कॉल करें। मिस्टर सर गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम गुड मॉर्निंग, वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। हाँ सर कसी सर इज नॉट टेकिंग अप द फोन सो। हाँ नाग साहब ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ सर नाग साहब सर स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा डीजी मैडम भी कहीं बिजी है क्या? सर ले भी फोन नहीं उठा रहे, मैडम को मैसेज किया कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया अभी, और मैडम को तो कल बता दिया था सर। हाँ आई थिंक मैडम भैया ऑफिस में, मैडम ऑफिस में है ना? नहीं सर अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है इसलिए। फोन सी में देन सी में ज्वाइन देखते तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मैडम। हाँ जी हाँ जी सर। हेलो सिंह जी स्टार्ट कर लो। हाँ सर स्टार्ट करते हैं सर। जी 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 हेलो हेलो संजय जी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हेलो ठीक है, मैं संजय कुमार सिंह डिप्टी डायरेक्टर नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेस्टर्न रीजन नागपुर द्वारा आयोजित एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आए हुए अतिथि पैलेट मैन्युफैक्चरर प्रशिक्षार्थी एवं ऑनलाइन द्वारा जुड़े पैलेट मैन्युफैक्चरर को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे अतिथि हैं या जो अतिथि हैं और ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए डॉक्टर मंजू मैडम प्रिंसिपल डायरेक्टर नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस फरीदाबाद को आमंत्रित करता हूँ। मंजू मैडम का एक्सपीरियंस 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। मैडम ने अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से काम किया है और मैडम का जो फील्ड है वो टीचिंग और ट्रेनिंग का फील्ड है और इन्होंने एमबीए और इन्होंने इनके पास 2 ईयर्स का एमबीए इन पावर मैनेजमेंट में है। इसके साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में डिग्री किया है। मंजू मैडम प्लीज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। धन्यवाद संजय जी। थैंक यू मैम। रिस्पेक्टेड श्री सुदीप नाग जी मिशन डायरेक्टर नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड ईडी एनटीपीसी। डॉक्टर आर के मिश्रा प्रिंसिपल डायरेक्टर एनपीटीआई वेस्टर्न रीजन नागपुर। श्री संजय कुमार डेप्यूटी डायरेक्टर एनपीटीआई वेस्टर्न रीजन इज द प्रोग्राम डायरेक्टर। श्री एसपी धर्म अधिकारी डेप्यूटी डायरेक्टर एनपीटीआई वेस्टर्न रीजन। ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑफिसर्स फ्रॉम नेशनल बायोमास मिशन एंड एनपीटीआई एंड ऑल्सो द स्पीकर्स फॉर द डे, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस program. I'm glad to be part of this inaugural function of a very important mission assigned to NPTI by Government of India through National Mission on Use of Biomass, also SAMAR, that is Sustainable Agrarian Mission on Use of Agro Residue in Thermal Power Plants. Earlier agro residue or biomass was considered as a waste product, but now it has begun to produce zero carbon electricity for the country. Farmers are getting additional income by selling the stubble for conversion into torrefied or non-torrefied biomass pellets, and pellet manufacturers are seeing a lot of business opportunities in this process. The market development efforts are continuing, and we are trying to encourage budding entrepreneurs through our awareness programs, where we try to apprise the pellet manufacturers about the latest technologies in the pelletization process and how to overcome the issues and challenges faced by them in venturing into this relatively new field. I'm sure with the support of all the members in the complete value chain, we shall be able to transform the problem of stubble burning into a sustainable solution of power production, thus achieving the low carbon footprint mission. I'm sure today all the participants will have a fruitful discussion with all our eminent faculty
and also the members of the biomass mission. Thank you all and welcome once again. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Welcome Dr. R.K. Mishra, Principal Director, National Power Training Institute, Western Region, Nagpur. डॉक्टर आर के मिश्रा के पास नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 30 ईयर का एक्सपीरियंस है और सर ने इलेक्ट्रिकल में NIT राउरकेला से डिग्री कंप्लीट किया है। सर के पास MBA का डिग्री है। इसके साथ साथ इन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेवल पर काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया है और सर के ही माध्यम से इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने का मुझको मौका मिला है। इसीलिए डॉक्टर आर के मिश्रा प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संजय जी। थैंक यू सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बी पार्ट ऑफ दिस मिशन डायरेक्टेड ऑन बायोमास यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। सो रेस्पेक्टेड डीजी NPTEI डॉक्टर तेजपाल ठाकुर मैम, शी इज बिजी समवेयर बट शी विल बी जॉइनिंग। मिस्टर सुदीप नाग जी, ED NTPC एंड डायरेक्टर मिशन ऑफ द बायोमास। Then Sanjeev Kumar Kassi sir, he is also unable to join, but expected he will be joining soon. And all other our mission director officers, Dr. Manju Mam, NPTEI Principal Director, Faridabad, our course coordinator Sanjay Ji, Dharma Adhikari Ji, and all the other officers from the ministry and directorate, and the esteemed speakers of the program, and the most important, the valued our the delegates of the pellet manufacturing units, those who have joined offline as well as online. So all are hearty welcome to them, and hope this gives an opportunity all of us to discuss about the use of biomass in the thermal power plants. And the pellet manufacturers are the most important component in this mission. So that's why we are spreading this knowledge, as well as we can have a opportunity to see their what are the problems they're facing, the pellet manufacturers, how they can ease out the business also, and they can use, and most importantly, as Manju Mama has already highlighted, the carbon footprint, because India is having surplus biomass, agro biomass, and sometimes around 30-40% goes waste. And also stubble burning is a issue which has been addressed in the international level also. And especially in the Delhi, NCR, and Punjab, Haryana, neighboring states, the pollution is a very, very important issue. And the carbon footprints in the thermal power plants also has been an issue. So the Government of India, Ministry of Power, formed this mission with an objective of, say, around 5-10% biomass pellets used along with the coal blending. And what I feel in the present scenario in the last 1 week or so, the temperature has gone so high, also the demand has increased, and industrial demand also has increased, and there is a shortage of coal, and this biomass 5-10% can ease out the coal demand also. And recently Ministry of Power also has allowed the states to import the coal for the next 3 years, so that shows the demand of the coal is very high and the supply is less. And this use of biomass will surely help us in leading the country to a sustainable power supply. And at the same time, we can also encourage the farmers to use this biomass, and they have also can have a sustainable income source, as well as the pellet manufacturers can have their own business. They can come forward. So hope the mission, and especially the NTPC, is doing a very, very good job. And a lot of pellet manufacturing has been already used, and also is under tender process, and procurement also has been done. So hope with this mission objectives, India will surely help in carbon footprint reduction and other associated benefits out of that. And I wish this seminar a great success, and I request all the pellet manufacturers to come forward and interact with the mission people as well as the speakers, to share their problems and how the things can be go ahead. They will surely help everybody. So with this, I wish you all the best and a hearty welcome once again to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.
अब मैं इस प्रोग्राम के लिए मिस्टर सुदीप नाग सर, इनको इनवाइट कर रहा हूँ। बेसिकली सुदीप नाग सर हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, मतलब कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल बायोमास, इस नेशनल बायोमास के लिए सुदीप नाग सर इसके मिशन डायरेक्टर हैं, और इन्हीं के थ्रू किस तरीके से ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे की ओर इम्प्रूव करना है, और इस प्रोग्राम को किस तरीके से मैनेज करना है, बेसिकली इस तरीके का पूरा जो वर्क है और पूरे काम को हमारे सुदीप नाग सर कर रहे हैं। देखा जाए तो सुदीप नाग सर के पास काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी चीज कि इसको आगे की ओर डेवलप करने के लिए सुदीप नाग सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बेसिकली सुदीप नाग सर एनआईटी से इन्होंने मैकेनिकल में डिग्री कंप्लीट किया है, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एनटीपीसी ज्वाइन किए। एनटीपीसी ज्वाइन करने के लिए अलग अलग लेवल पर इन्होंने वर्क किया है, जिससे कि इनको पूरी तरीके से आइडिया है कि किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स में क्या क्या हो रहा है, और इस थर्मल पावर प्लांट्स को डेवलप करने के लिए सर का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोग इसमें बॉयलर थर्मल पावर प्लांट के लिए जो बॉयलर यूज कर रहे हैं, तो बॉयलर में हम लोग बेसिकली कोल यूज कर रहे हैं, तो ये जो कोल यूज कर रहे हैं तो कोल से हमारा जो इन्वायरमेंट है काफी पॉल्यूट हो रहा है। इस इन्वायरमेंट के पॉल्यूट होने से दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सबसे पहला चीज कि ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं उसके लिए CO2 में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसा कि मंजू मैडम ने भी एक्सप्लेन किया, हमारे मिश्रा साहब ने भी एक्सप्लेन किए कि इस कार्बन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करने का जितना भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी और इसको किस तरीके से आगे की ओर डेवलप करना है, इस काम को हमारे सुदीप नाग साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, और इनका इस कार्यक्रम के लिए और इस प्रोग्राम के लिए भी, और इसके साथ साथ किस तरीके से जो हमारे पास आप लोग को सुनने में आता होगा कि यूपी में, यूपी या हरियाणा या पंजाब में विंटर के समय में कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्मोक का काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इस स्मोक के प्रॉब्लम को भी इससे रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब में लोग क्या करते हैं कि पराली को बर्न कर देते हैं, तो उसके बर्न से जो भी CO2 जो इन्वायरमेंट में आता है, तो उसको किस तरीके से हम रिड्यूस करें। और इसके साथ साथ एक और क्या हो रहा है कि पराली तो बेसिकली हम लोग बर्न कर देते, उसका कुछ यूज हो नहीं पा रहा है, तो उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर इस मार्केट को क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद जो भी हमारे पास फार्मर हैं उनको वो भी किस तरीके से पराली को यूज करते हुए और उसे किस तरीके से मनी को जनरेट कर सकते हैं, ये सभी का जितना भी आइडिया है हमारे मिस्टर सुदीप नाग सर की तरफ से है, और सुदीप नाग सर का बहुत ही इसमें योगदान रहा है। तो प्लीज एंड प्लीज मैं मिस्टर सुदीप नाग सर को अभी इनवाइट कर रहा हूँ। सर सुदीप नाग सर प्लीज। धन्यवाद संजय जी। थैंक यू सर। Am I audible clearly? Yes, sir, please. सुप्रभात। सभा में सम्मिलित सभी को मेरा सादर नमस्कार। ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर रंजन मिश्रा, प्रिंसिपल डायरेक्टर NPTI वेस्टर्न रीजन नागपुर, डॉक्टर मंजू मैम, प्रिंसिपल डायरेक्टर NPTI फरीदाबाद, DG डॉक्टर तृप्ता ठाकुर आई थिंक अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और इसके साथ साथ जो सभा में उपस्थित है डिप्टी डायरेक्टर NPTI श्री संजय सिंह, श्री धर्माधिकारी डिप्टी डायरेक्टर नागपुर NPTI, कर्नल सुपनिकर जो मंच पे उपस्थित है, डायरेक्टर सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोमास मिशन से मेरे सहकर्मी जो उपस्थित है वहां पे श्री प्रफुल्ल डोंगरे एंड श्री धर्मेश केवत, NPTI के बाकी ऑफिशियल्स, मेरे बायोमास मिशन के बाकी सहकर्मियों, और ये थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के उपयोग पर ये जो शिक्षण केंद्र में भाग लेने के लिए आए हैं सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी को मैं स्वागत करता हूं बायोमास मिशन के तरफ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बी ए पार्ट ऑफ इंडियाज टारगेट ऑफ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन
थ्रू आवर मिशन नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट्स व्हिच हैज बीन रीनेम्ड एज समर्थ मिशन वेयर वी आर गोइंग टू वर्क टूगेदर दिस वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर पेलेट मैन्युफैक्चरर्स will provide all of us a platform to share ideas and resolve the concerns, I believe. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाया है. ये जुलाई 2021 में फॉर्म हुए हैं. ये मिशन विद्युत मंत्रालय के उद्योग में बना है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बायोमास को इकोनॉमी और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसे इसका सठिक उपयोग ताप विद्युत केंद्र में किया जाए एवं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में कैसे योगदान दिया जाए. भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह सच मिशन, जो आज मैं बोल चुका हूं कि समर्थ मिशन का नाम पे जाना जाता है, वास्तव में इसका हिस्सा जो हम लोग बन चुके हैं, आप लोग बने हैं, ये वास्तव में एक गर्व का बात है. अगर हम कुछ नंबर्स का बात करें, the availability of biomass in our country annually is around 750 million metric ton, and if we take the surplus quantity of it, it is around 230 million metric ton annually, 230 million metric ton, and this quantity is either burnt or wasted totally. You may be surprised to know that the capacity of 230 million metric ton of biomass has the potential of generation of 28 gigawatt of power. और अगर हम लोग 5% बायोमास प्लांट में जो को फायरिंग का बात चल रहा है, ये 5% बायोमास अगर हम को फायर करें तो उसमें हमारा साल में 35 मिलियन मेट्रिक टन जरूरत पड़ेगा. So out of this 230 million metric ton, only 35 million metric ton is required to start the 5% co-firing. So you know the capacity requirement, I mean the capacity availability is huge as compared to the capacity requirement. Well, know that this biomass co-firing in power plant has been included in the Union Budget Speech 2022. And this biomass is also a renewable power. You know that our Honorable Prime Minister has committed that our country will be a net zero country by the year 2070. And by the year 2030, we will produce half the power generation of the total power generation through renewable sources. So using this biomass in our thermal power plants is a huge opportunity by which we can expand our renewable power capacity. As per the ministry guidelines, all the power plants in the country has to mandatorily fire 5 to 7% of biomass in their plant within a period of 2 years. And this will reduce the carbon footprint in the country as well as promoting renewable power generation. All the enabling procedures has been taken up. Standard operating procedure to the power plants has been distributed, how to fire this biomass. Along with this, a model contract, a long-term model contract of 7 years has been issued to all the generating companies, and also it has been shared to all the pellet manufacturers, existing pellet manufacturers, and it is available in the public domain also. Anyone of you can see that. If we take the total biomass requirement in terms of lakh ton per day, ek din mein aaj 1 lakh ton per day ka biomass requirement hai, biomass pellet requirement hai. Aur aap ye jankar shayad hairan honge ki aaj hamare jo biomass ka availability hai, biomass pellet, वो मुश्किल से 6 से 7 हजार टन पर डे का कैपेसिटी अवेलेबल है देश में. एंड बायोमास पेलेट जो आप लोग जानते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, टोरिफाइड एंड नॉन टोरिफाइड. आउट ऑफ दिस 6 to 7 thousand ऑफ टोटल कैपेसिटी, 95% इज नॉन टोरिफाइड, हार्डली 1% इज टोरिफाइड. सो
दिस स्टोरीफाइड कैपेसिटी एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो ह्यूज. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अप दिस प्रोडक्शन बिजनेस अलोंग विद ए स्पेशल फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ स्टोरीफाइड कैपेसिटी. द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल एंड आई बिलीव दैट इन टू डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो this technology part will also be taken care of for the awareness of all the participants. We are interacting continuously with the pellet manufacturers in different forums apart from the awareness programs. In the model contract, you may be knowing that some of the features of the model contract have been introduced after interaction with the pellet manufacturers and keeping in view of their interest. Importance was given to the clause of diversion of pellet. Sometimes what is happening ki because of some obligations or some restrictions in the plant, some plant may not be able to take biomass pellet even after the contract. So there is a scope of expansion of this diversion of this biomass pellet to other plants of the same company. At the same time, there is a clause of payment security for the biomass vendors, biomass pellet vendors by the GenCos. Price variation clause has also been included, keeping in view of the requirement of the vendors, pellet vendors. Till date, the total number of biomass pellet firing in the plants is encouraging. It is increasing day by day. 71,000 metric ton of biomass pellet has been co-fired in the power plants till date. It has led to the reduction of approximately 1 lakh metric ton of CO2 from the environment in the country. 24 power plants have started co-firing in the country. 40 power plants are in the process of starting the process. Different tenders are coming up. 17 million metric ton of biomass pellet tenders are in the market. So the existing and would-be pellet manufacturers can take part in those tenders. NTPC so far has taken the major initiative in this, but today I must say that all the other generating companies like state generating companies and the private IPPs, they are also coming up. But even after all these achievements, the development is still not satisfactory, as I am telling that it is far less than the requirement. So today, there is a requirement of active participation of all the generating companies along with the pellet manufacturers existing and would-be who are present here. There is a need for closer interaction and sharing of our knowledge among you all, among the farmers, among the pellet manufacturers and among the GenCos to make the best use of biomass and keep functioning the supply chain. Our Samarth mission is trying to act like a bridge between all the stakeholders, farmers, pellet manufacturers, and the generating companies, and taking care of all of your issues. Till date, 10 number of awareness programs have been carried out for the pellet for the stakeholders. For the pellet manufacturers, it is the third awareness program apart from the other interaction program for different purposes, both offline and online. We have taken up some of the relevant issues which have been raised by pellet manufacturers. It is like uniform GST code for the agro residues for production of these pellet manufacturers, provision of GEM procurement of pellets, different enabling financial schemes for bankable projects of the pellet plant, installation of pellet plant. We are also examining the possibility of single window clearance for the plant setup. All of these things are being carried out for the ease of business and enabling plant setup for the new entrepreneurs and also the capacity expansion of the existing entrepreneurs. But the most important thing is your wholehearted participation and your intention to be a part in this business.
and you all have understood what is the future potential of this business. It is really huge. So friends, हम इस अवसर पर थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के उपयोग पर आइए सब मिलकर काम करते हैं. हमें जो बायोमास का कारण जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, इसका जो वेस्टेज हो रहा है, उसको हमें खत्म करने के लिए हमें प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा. और मुझे विश्वास है कि आज का जो आगे आने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो डिफरेंट लेक्चर्स है उसमें ये सारे विषय पर खासकर चर्चा होगी. मैं चाहता हूं कि आप ये जो डिफरेंट सेशंस में आप लोग भाग लीजिए. आप ये प्रोग्राम इंटरेक्टिव हो, आप लोग अपना फीडबैक भी शेयर करें और इससे ये बिजनेस के लिए, आपके लिए, बायोमास स्लीप मिशन के लिए और देश के लिए, ये सबके लिए हितकारी होगा. अंत में मैं आप सभी को परिवार के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं. और साथ साथ मैं आज के लिए मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूं. धन्यवाद. थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. सुदीप नाग सर ने काफी अच्छे तरीके से इस पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और थर्मल पावर प्लांट में किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, इस पर काफी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें इंटरेस्टेड है पैलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सभी भी मतलब उसके लिए भी ये काफी अच्छा रास्ता है. और सबसे बड़ी चीज क्या कि हम लोग जो कार्बन है, कार्बन को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे और थर्मल पावर प्लांट्स में सेम पराली को पैलेट में कन्वर्ट कर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए थैंक यू. अभी हमारे डीजी मैडम किसी कारण बस अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो अभी हमारे पास जो हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट साहब कर्नल विश्वास एन सुपेनकर सर को स्वागत करता हूं. ये प्रोग्राम बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे सुपेनकर सर के तरफ से और ये प्रोग्राम के लिए सर ने काफी मेहनत किया. बेसिकली सर यहाँ के डायरेक्टर हैं और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, सबसे बड़ी बात ये है. और हम लोग देखें तो ये सभी को किस तरीके से इस डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है इसको किस तरीके से हम लोग बायोमास के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. तो सुपेंदर सर, सर का काफी योगदान रहा है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. और सर के, ओ सॉरी, और ये बेसिकली ये प्रोग्राम सर के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अब मैं मिस्टर प्रफुल्ल चंद डोंगरा जी को, जो कि मिशन मेंबर्स हैं, उनको मैं स्वागत कर रहा हूं. सर, सर आपके कारण ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज हुआ और काफी आपने मेरे साथ इसको. थैंक यू सर. थैंक यू. अब मैं धर्मेश जी मिशन एग्जीक्यूटिव का स्वागत कर रहा हूं. ये सभी लोगों का योगदान से ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो धर्माधिकारी सर. हेलो धर्माधिकारी सर. जी सर. थैंक यू सर. प्लीज. या थैंक यू सर. आई एम वेरी मच थैंकफुल सर. धर्माधिकारी सर,
सर एक हमारे चीफ गेस्ट कनेक्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, कर्नल विश्वास सुपेनकर सर, डायरेक्टर सीडीएम यशदा। I am very much thankful, Sanjay sir, for giving me opportunity for proposing the vote of thanks. I can see the enthusiasm among the participants for this program. The pellet manufacturing unit heads. I am very much thankful for being present here for the inaugural function of this program. I am very much thankful, first of all, to the where the program is getting organized at Yashoda Pune, the director. I am very much thankful to Sri Sudip Nag sir, which is joining us online mode, and mission director, National Mission on Use of Biomass, and he is ED NTPC also, giving the deep insight within the event and organization of such programs. It is very important to understand from the deep insight what he shared with us, that there is a huge potential of 28 gigawatts out of these pellets which are burning in the environment. We can have the carbon neutral economy as being imagined by our Prime Minister of India, Narendra Modi ji, of carbon neutral by 2070 and 50% neutral by 2030. So I think this such program is very much essential so as to bridge the gap in between the farmers, the pellet manufacturers and the generating units. I am very much thankful to Sudip Nag sir for giving the deep insight within this program. I am very much thankful to the Praful Chandra Dongre mission member, as well as Dharmesh K. Kewat, mission executive from Samarth mission of use of this biomass. I am very much thankful to Sri Sanju Kumar Kassi sir, Chief Engineer, Thermal Ministry of Power, for giving consent to for this program. He could not be present because of some issues. I am very much thankful to our Dr. Tripta Thaktu, Director General NPTI, for constantly encouraging us to organize such programs in association with the Mission Biomass. I am very much thankful to Dr. R.K. Mishra sir, Principal Director NPTI Nagpur, for giving us this opportunity to organize such program. As well as I am very much thankful to Dr. Manju ma'am, Principal Director NPTI Corporate Office Faridabad, for encouraging us to organize this program. I am very much thankful to all the panel members, the eminent faculties like Dr. S.K. Shukla, then Tushar Lovalekar, Yogesh Garjalwar, and Sri D. Kataria, Director Agro Industries, Nagpur, and Ajit More, Director, for giving their time for the panel discussion and all the lectures being arranged for this program. Last but not the least, it is important to give thanks to all the participants of this program to make this program success, who have joined online as well as in offline mode. I am very much thankful to all of you for giving me opportunity to propose the vote of thanks. Thank you, everybody. Thank you. Sanjay sir. Hello. Sir, जो अभी हमारे चीफ गेस्ट और जो मिशन मेंबर, मिशन एग्जीक्यूटिव, ये जो मेरे पास जो मंच पर आज उपस्थित हैं, उन लोगों को एनपीटीआई के तरफ से मेमेंटो देकर स्वागत कर रहा हूँ। हेलो, कर्नल विश्वास सुपेनकर सर, मिस्टर प्रफुल्ल चंद्र डोंगरे सर, मिशन मेंबर, मिस्टर धर्मेश केवट सर, मिशन एग्जीक्यूटिव, मैं अभी आज के अतिथि कर्नल वीएन सुपेनकर सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ये हमारे जो पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, थोड़ा पैलेट मैन्युफैक्चरर को अपनी तरफ से
पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए प्लीज सर। सर एक मिनट, सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल और सभी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के समय के अंदर एक बहुत गहन और हम सबको इफेक्ट करने वाला ऐसा एक ज्वलंत टॉपिक यशोदा में आयोजित किया है। और इसके लिए मैं आप सबका जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल श्री चोकालिंगम सर IAS, उनके तरफ से आपका सबका यशोदा के अंदर स्वागत करता हूं। यशोदा का एम्बियंस एनवायरमेंट ट्रेनिंग फ्रेंडली है और जाते वक्त मैं यकीन करता हूं कि आप सब इसको ये विषय के ऊपर गौर करेंगे। और मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि ये स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारे पास जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है एनवायरमेंटलिस्ट, जो यूनिवर्सिटी में इसकी डिग्री ले रहे हैं, ये भी यहां पे उपस्थित है। मिशन इंडिया, जिसके अंदर जो अभी सुदीप नाग सर ने बताया कि इसके अंदर काफी यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। और ये जो फील्ड है, जैसे IT सेक्टर पहले बूम पे गया था, बायोमास भी बूम पे जाने वाला है, इसका मेरे को बहुत बहुत यकीन है, क्योंकि मैं ये फील्ड के अंदर पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, आपत्ति व्यवस्थापन। और जो हम फोसाइल फ्यूल यूज करते हैं, चाहे वो कोयला हो, ऑयल हो या गैस हो, ये प्रोडक्ट निकालने के लिए जितना हम एनवायरनमेंट की हानि करते हैं, चाहे डीप माइनिंग हो, एक्सट्रैक्शन हो या स्ट्रिप माइनिंग हो, और जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना ही नहीं, जो इकोसिस्टम है उसको पूरा हम नेस्त नाबूद कर रहे हैं। जब तक इकोसिस्टम नहीं होगी यहाँ पे, आप और हम नहीं होंगे। और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मिनिस्ट्री का और साथ ही में ये मिशन का, कि इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, जिससे मैं यकीन करता हूं कि ना कि इकोनॉमिकल, बट हमारे में जो हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है इसके वजह से, जो फोसाइल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसके वजह से, जहां पे ल्यूकेमिया हो रहा है चिल्ड्रन को फॉर्मेल्डाइन से, बेंजीन की वजह से, और फॉर्मेल्डाइन की वजह से कैंसर हो रहा है, ये चीजें बढ़ती जा रही है। वाटर पोल्यूशन हो रहा है जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एसिड रन ऑफ हो रहा है और स्ट्रीम्स रिवर्स के अंदर जा रहा है, हमारे विदर्भा सेक्टर के अंदर फ्लूराइड का पानी के अंदर प्रमाण बहुत ज्यादा है, जिससे कि बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही है। और इस मिशन के तौर पे मैं ये जानता हूं कि आपत्ति व्यवस्थापन में काम करते हुए, कि जो हम बोलते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डेवलपमेंट, एम्बियंस तो होना चाहिए पर साथ में एनवायरमेंट भी फ्रेंडली चाहिए। हम सिर्फ डेवलपमेंट करते जा रहे हैं मगर एनवायरमेंट का हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये बायोमास हमको इस जगह पे ले जाएगा जहां पे हमारा रहना और हमारे फ्यूचर जनरेशन का रहना एक सुखकारक होगा। और इसके लिए मैं आपका सबका जो मिशन के अंदर है उनका धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा मिशन आप ले आए हैं। और पैलेट मैन्युफैक्चरर जो सामने है और जो फ्यूचर एनवायरमेंटलिस्ट है जो चाहते हैं कि हम इसके अंदर भी सहभाग ले, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे हो। देखिए ये जो प्रोग्राम जो साहब ने बताया, नाग साहब ने, कि ये ऑल इंक्लूसिव है। जब तक सभी स्टेक होल्डर यहाँ पे काम नहीं करेंगे एक साथ मिलके, तब तक ये मिशन सक्सेसफुल होना बहुत कठिन होगा।
और जैसे कि बताया हमारे पास की उसकी उपलब्धता तो बहुत ज्यादा है और उसकी आज की रिक्वायरमेंट कम है, तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है पेलेट मैन्युफैक्चरर्स और जो फ्यूचर इंडस्ट्री डालने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम सब मिलके इसके अंदर काम करें और इंडिया को एक सुरक्षित जगह पे ले जाए। इतना बोल के मैं आप सबका फिर से एक धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया चीफ गेस्ट बोल के और एक दो शब्द आपके साथ डिस्कस करने मिले, बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। सर ने जिस तरीके से आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, मैं सिंपल एक लाइन आपको ऐड कर दे रहा हूँ कि आवर अर्थ इज प्लेग्राउंड ऑफ द एनर्जी, और इसी अर्थ के ऊपर जितना भी एनर्जिकल वर्क हो रहा है सभी इस यहीं पर वर्क हो रहा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए विदाउट सन कोई भी चीज़ अप्लीकेबल नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कोई भी चीज़, इसको किस तरीके से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि एनर्जी के बारे में आप सबको पता होगा किस तरीके से इस एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म तक कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा प्रोसेस यही है, मतलब इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है कि जो हमारे पास पराली है, पराली को जो हम लोग बर्न कर देते थे उसको किस तरीके से पैलेट में कन्वर्ट करें। दैट मीन्स पूरे हमारे पास पूरा सिस्टम, इंटायर सिस्टम जो एनर्जी का सिस्टम है उसको एक फॉर्म से किस तरह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये हम लोग कन्वर्ट करना समझ गए और सीख लिए तो समझ लीजिए कि आज हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट कर जाएगा। थैंक यू सर। आप हमारे प्रफुल्ल सर, आप लोगों के सामने थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे सर, या दो मिनट में सर प्लीज। Good morning, ladies and gentlemen, and respected Shri Colonel Sutnekar Sahab from Central Disaster Management, and respected Shri Mission Director from National Mission Biomass, Shri Kassi Sahab from Ministry of Power, and DG NPTI, and my all fellow mission members. Actually, my mission director has already highlighted about the objectives of our national mission, and he has highlighted in a very nice way. So I'm just continuing that we should have a very good interactive session during the upcoming continuation of this program, and we are going to talk about there are many speakers who are going to talk about the new technology like torrefaction, and there is also one talk from director from biofuels, and of course from Mission Biomass, what are the objectives and what are the works going on, that will be presented. And during this session, if any queries or any feedbacks from your side, if it is there for the further encouragement and enhancement in this direction, it will be always welcome. And I'm expecting a good interactive session in the coming technical session after this program. So I welcome you all once again, and let's contribute towards the green and clean energy which has taken up by our mission. And I would also like to thank NPTI Sri Sanjay Singh ji, who is organizing on behalf of our National Mission Biomass. And once again, I welcome you all to all the delegates who have came from different parts of our state. So thank you once again. Thank you. Thank you, Purple sir. अभी जस्ट मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि ठीक तो मैं अभी ये मेरा इनॉग्रेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी हमारे पास न्यू मैन्युफैक्चरर हैं रिलेटेड टू द पैलेट्स, आप अभी 10-5 मिनट का हम लोग टी ब्रेक ले लेते हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ टी ब्रेक कीजिए सर। Thank you. Nice meeting you. Nice meeting you. Yeah.
थैंक यू संजय। हरे हरे हरे। बाय।